हेलो जी, वेलकम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अलग वीडियो, जो कि मेरे चैनल में आज तक कभी नहीं आई। तो सोचा, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करूँ इस वीडियो को। तो मैंने परचेस किया है ये डैश कैम, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग गए थे उत्तराखंड घूमने के लिए। तो हमने वहाँ काफ़ी जगह विजिट किया, आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा भी होगा। तो हमें एक चीज़ बहुत फील हुई कि काश हम लोग के कार में भी डैश कैम लगाया होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जिसमें कार ड्राइवर की गलती नहीं थी, पर उसके बाद भी उसके पास प्रूफ करने के लिए कुछ था नहीं। तो ऐसा बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसलिए हमने सबसे पहले आते ही मंगाया ये डैश कैम, जो कि है ट्रांसकेंट का, और ये हमने ऑनलाइन परचेज किया है, क्योंकि आजकल हाईवे में लोग स्पीड लिमिट में कोई कंट्रोल रहता नहीं है, और फिर गलती भी किसी और की होती है और भुगतना किसी और को पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मंगाया था ये डैश कैम, और इसकी मैं अब अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोग के सामने। तो व्लॉग में बने रहिए, और मैं इसको फिर कार में इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगी, और वो वीडियो भी आपके संग जरूर शेयर करूंगी। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, तो मुझे पड़ा ये 8,000 का। वैसे इसका मार्केट प्राइस 13,000 है, तो मुझे ऑफर में मिला था, तो इसलिए मैंने मंगा लिया। और ये इस तरीके से आया हुआ है, क्योंकि कार में डैश कैम होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें फील हुआ जब हम उत्तराखंड नैनीताल घूमने के लिए गए थे। देखते हैं ये कैसा है और इसमें क्या क्या आइटम्स हमें मिला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारा कैमरा, ये देख सकते हैं आप, ये कैमरा मिला हुआ है। और ये है होल्डर कैमरों के होल्ड करने के लिए, ये शायद दो मिले, हाँ ये दो मिले हैं। और इसमें एक मिली है, एक 64 GB की मेमोरी कार्ड मिला है, 64 GB का। और उसके साथ हमको मिला है ये चार्जिंग पॉइंट। तो अब मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगी अपनी कार पे। डैश कैम इंस्टॉलेशन की वीडियो मैंने अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दी थी, कुछ टाइम की कमी होने की वजह से मैं ये वीडियो बाद में अपलोड कर रही हूँ। तो आप इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।